नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। बिहार के बाद राजस्थान में भी जातिगत मतगणना कराने का दांव चल दिया है कांग्रेस की सरकार ने। और हम सब जानते हैं कि जब से नीतीश सरकार ने यानी बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया है, बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजनीति में खलबली है। राजस्थान में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और आज आपसे बातचीत एक्सक्लूसिवली मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश का घटनाक्रम बदल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर डेस्परेशन में दिखाई दे रही है, वह बहुत कुछ बता रही है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो चुनावी प्रचार है वह क्या रंग ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर, वहां से यह आया वीडियो जरूर देखिए। यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आने के लिए, दोबारा सत्ता में आने के लिए क्या कुछ करने को तैयार है। यह वह शख्स हैं, इनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। यह किस तरह से मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे बोल रहे हैं कि अगर उनके बूथ से, उनके इलाके से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं गया तो वे अपनी तरफ से वहां के भाजपा के नेता को 51,000 रुपए की राशि देंगे। कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए, मैंने घोषणा की है। जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं, 51,000। मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए खुद केंद्र की मोदी सरकार ने कमान संभाली है, लेकिन इसी बीच एक जो बड़ा घोटाला सामने आया है, जो टक्कर ले रहा है व्यापम घोटाले से, वह है नर्सिंग कॉलेज का घोटाला। यह घोटाला ऐसा है जिसकी मजबूरन सीबीआई जांच करानी पड़ रही है और जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, वह बता रहे हैं कि ना सिर्फ इस नर्सिंग कॉलेज घोटाले में 1.5 से 2 लाख नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है, वह दांव पे लगा हुआ है, बल्कि अनगिनत बच्चे जो यहाँ इन कॉलेजेस से पढ़कर गए, जो सिर्फ कागज में मौजूद हैं, यानी मध्य प्रदेश सहित बाकी तमाम जगहों पे इन तथाकथित फर्जी कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे जो नर्स बने, उनके हाथों जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा का खिलवाड़ हो रहा है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये ऐसा सवाल है जिसे तमाम लुभावने नारे देकर भी शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छुपा नहीं सकती, या यूं कहिए मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। यहां आपको याद दिला दें कि जिस तरह से व्यापम घोटाला हुआ था और जिस तरह से व्यापम घोटाले की जो खूनी पूरी की पूरी साजिशें थी, अनगिनत लोगों की मौतें हुई और अंततः यह पता नहीं चला, या यूं कहिए कि पता था कि किरदार कौन है लेकिन कुछ हुआ नहीं, तकरीबन उसी तरह का खेल इस समय मध्य प्रदेश में चल रहा है। लेकिन वे तमाम बच्चे जो 3 साल से, जी हाँ 3 साल इन बच्चों के बर्बाद हुए, ये सड़कों पे बैठे हुए हैं, ये छात्र छात्राएं सिर्फ एक मांग कर रही हैं, कह रही हैं आप अपने को मामा बताते हैं तो हमारा एग्जाम करवाइए, हमें एग्जाम की जरूरत है, क्योंकि 3 साल से हम एक क्लास में हैं, हमारे माँ बाप गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले हैं, हमें एग्जाम चाहिए, हमें अपना रिजल्ट चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें। और निश्चित तौर पे दोस्तों, यह जो घोटाला है मध्य प्रदेश का नर्सिंग घोटाला, जिसको लेकर तमाम जगहों में जो खबरें आ रही हैं, वह बता रही हैं कि सैकड़ों के स्कूल इस तरह के जो चले, जो कॉलेजेस खुले जो सिर्फ कागज पर थे, उसने बताया कि कितने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में यह घोटाला हुआ और जिसको पूरा का पूरा राजनीतिक वटहस्त्र शिवराज सिंह चौहान यानी
ये जो तमाम वीडियोस आप देख रहे हैं, तमाम जो खबरें आ रही हैं, यह बता रही हैं कि जब मध्य प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि वह कांग्रेस के नेताओं को खाने नहीं देंगे, कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, तब दरअसल वह मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी मौसम में एक के बाद एक दावे कर रहे हैं, महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, वोट बैंक में तब्दील करने के लिए वह राखी पर 250 रुपए से लेकर 2050, 3000, 3050 और अनगिनत लुभावने नारे दे रहे हैं। और यह देखने में बेहद शर्मनाक लगता है जिस तरह से वह यह मान के चल रहे हैं कि महिलाओं को कुछ हजार रुपए का झुंझुना दिखाकर वह अपनी सीट और अपनी सत्ता बचा लेंगे। उससे भारतीय जनता पार्टी में जो घबराहट है वह साफ होती है और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश को जिस सुनियोजित साजिश के तहत हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई नफरती ब्रिगेड में तब्दील किया जा रहा है वह भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है भाजपा के रामराज पर। मध्य प्रदेश की बात आपके साथ इसलिए खास तौर पे और भी जरूरी है क्योंकि हम सब ने देखा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर चुनावी बिगुल फूंकते हैं, करोड़ों की योजनाओं की घोषणाएं करते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस, कांग्रेस के कुशासन का हवा दिखाते हैं, उस समय वो भूल जाते हैं कि इस मध्य प्रदेश में कई दशकों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और जिन दो घटनाओं का जिक्र मैंने आपसे किया, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का हो या फिर यह नर्सिंग कॉलेज घोटाला, इसमें जिस तरह से लाखों लोगों की जिंदगी, नौजवानों की जिंदगी स्वाहा हो रही है वह भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की ओर इशारा कर रहा है। और तो और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के दौरान भी जो घोटाला हुआ, जो कैग रिपोर्ट ने उजागर किया, उसमें मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर, यानी उसमें भी पता चला कि मुर्दों के नाम पर, जो लोग जिंदा नहीं है उनके नाम पर सबसे ज्यादा घोटाला हुआ मध्य प्रदेश की सरजमीन पर। दोस्तों, बहुत जरूरी है चुनावी मौसम में इन तमाम राज्यों का हाल लेना। हम उनका हाल आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए न्यूज क्लिक खोज खबर कार्यक्रम, ताकि सच जिंदा रहे और सच को बेखौफ ढंग से आप तक पहुंचाने का हमारा हौसला जिंदा रहे। शुक्रिया।